हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट का अपना थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, जो कि क्या है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट। हमें कैसा एनवायरनमेंट चाहता है एक मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है, कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए या कैसा इन्वायरमेंट हम क्रिएट करें, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर विच इफेक्ट द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। मार्केटिंग एनवायरनमेंट वो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो क्या होती है, वो सारे फैक्टर्स इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, बिजनेस के अंदर के हो या बिजनेस के बाहर के हो, वो सारे फोर्सेज, वो सारे फैक्टर्स जो कि क्या करें, हमारी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी को इफेक्ट करें, कहीं से भी थोड़ा सा भी इफेक्ट करें, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। द सक्सेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन द स्टडी ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। हम एक मार्केटिंग, एक अच्छा, एक सक्सेसफुल मार्केटिंग तभी कर सकते हैं और हम उसमें सक्सेस भी तभी हो सकते हैं जब हमने क्या किया हो, मार्केटिंग इन्वायरमेंट अच्छे से पढ़ा हो, मतलब इन्वायरमेंट की स्टडी अच्छे से की हो, ठीक है, कि कैसा इन्वायरमेंट है, हमें उसमें कैसे प्रोडक्ट्स बेचने हैं। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अ मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स एंड फोर्सेस एक्सटर्नल टू द मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ द फर्म दैट इम्प्लाइज ऑन द मार्केटिंग मैनेजमेंट एबिलिटी टू डेवलप एंड मेंटेन सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस विद द टारगेट कंज्यूमर्स। ये क्या होता है, वो सारे इंटरनल, वो सारे एक्सटर्नल फंक्शंस, ठीक है, जो क्या करते हैं, मैनेजमेंट करती है, किस लिए करती है, अपने क्या करने के लिए, अपने ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए, मेंटेन रखे रहने के लिए, ठीक है। और क्या करती है, कंज्यूमर्स को टारगेट करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। मार्केट इन्वायरमेंट की स्टडी हम क्यों करते हैं, कंज्यूमर को समझने के लिए कि हमारा कंज्यूमर हमसे क्या चाहता है, ठीक है। तो यही होता है हमारा मार्केटिंग एनवायरमेंट। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको इस सब्जेक्ट के या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।